फोटो कर लेते हाँ भाई सो कांग्रेचुलेशन किस बात की थैंक यू सर क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या कुछ फील कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो काम होता है हमारे फिल्म बनाने का वो कुछ एक साल चलता है और बहुत लोगों ने काम किया है बहुत सारे बच्चों ने काम किया हमारे पूरे देश से अलग अलग जगहों से आए एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी सो एक्साइटेड ये तीसरी बार है डांस फिल्म आ रही है 3D में सो फिंगर्स क्रॉस वेरी वेरी एक्साइटेड किड्स चॉइस अवार्ड में ये मेरी तीसरी बारी है मैं लास्ट ईयर भी परफॉर्म कर चुका हूँ यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरा अवार्ड है बच्चों का अवार्ड है सो वेरी एक्साइटेड बच्चों के साथ बच्चा बनने के लिए और मैं इनके लिए फिल्म करता हूँ तो जैसे कि मैंने कहा मुझे लगता है कि ये मेरा अवार्ड है सेलिब्रिटीज़ के बच्चे क्यों मुझे सारे बच्चे पसंद है चाहे वो सेलिब्रिटी हो या किसी नॉर्मल इंसान का भी बच्चा हो मुझे सारे बच्चे क्यूट लगते हैं अगर देखा जाए तो कलंक को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था नहीं मिला था प्यार दिया था नहीं मिला था फिर भी किसी मुझ तक पहुंचा ही नहीं बट नहीं मिला बोल दे बोल दे बोल दे हाँ आई थिंक अप्स एंड डाउन जो होती है ज़िंदगी का पार्ट होता है और उससे सीखना पड़ता है एंड वही मेरे करियर में वो पहली बार था जब हुआ था फिल्म के साथ तो आई एम ट्राइंग टू आई हैव लर्न फ्रॉम दैट और बस इस वक्त सारी पॉजिटिव एनर्जी मैंने स्ट्रीट डांसर 3D में डाली है रेमो सर के बाद ABCD2 के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं श्रद्धा कपूर के साथ भी सो वेरी एक्साइटेड ये यूथ की फिल्म है आज की फिल्म है और मेरे फिल्म का एक डायलॉग है जो मेरे हिसाब से बहुत मायने रखता है विच इज़ चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु दा नाम आवे या ना आवे लेकिन वो लम्हा भी इबादत दा होंदा है जब तू किसी और के काम आवे एंड दैट्स व्हाट इवन आई बिलीव इन थैंक यू हाँ जी सारा इज़ वंडरफुल टू वर्क विद शी इज़ अ थरा प्रोफेशनल एंड बहुत बहुत मेहनत करती है और एक्चुअली आज सुबह मैं और सारा दोनों 6-6 बजे उठे हैं क्योंकि हम लोग कूली की शूटिंग ND स्टूडियो करजत में कर रहे थे उधर से हम लोग ड्राइव करके 3 घंटे यहाँ पे आए और ये ख़त्म करके दोनों वापस ND स्टूडियो जाएंगे 7 बजे के शिफ्ट के लिए सो आई लव पीपल हु वर्क हार्ड आई लव एंड शी इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल आई हैव मेट एंड और दोनों साथ में पागल हो जाते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो कभी आप लोगों के साथ इस तरह से कुछ हादसा हुआ वहाँ पे काफी नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आई थिंक वो जो शो में होता है या घर में होता है वो अलग चीज़ें होती है ये एक रियलिटी शो है तो उसे वैसे ही लिया जाए चाहे सिद्धार्थ हो या असीम हो मैं दोनों को जानता हूँ एक के साथ मैं तेरा हीरो में काम किया था और एक के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के साथ दोनों बाहर तो बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार के साथ बिहेव करते थे एंड विच देम बोथ ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक फॉर बिग बॉस किस किधर घर में सलमान खान थैंक यू वरुण